ये सर, इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, अच्छा सा नाम रखो, उस नाम के पीछे काम ना हो तो धीरे धीरे बोलना कम कर दो। उसके लिए समझा कि छत टपक रही है, बाल्टी लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है, मैं चश्मा पहनने की, चश्मा वहां रख देने की नहीं। गांधी का चश्मा नहीं पहनते, साथ न्याय की ना इंसाफी हो रही है उनके साथ। आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और से, किसी और तरीके से आपको बिल्डिंग बना के देता है, उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है। वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते हैं, और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं। स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग हैं, उनके बारे में दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए, वो ज्यादा बेहतर था। 5 मिनट, शुक्रिया उपसभापति महोदय। जब आप 5 मिनट या 3 मिनट कहते हैं तो लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। ये समय आप ही लोग तय करते हैं, मैं जानता हूं करता। सर आपका दोष थोड़े ही है, लेकिन दुखड़ा भी कहां रहा। आप बोले बोले। अब मैं बड़ी खुशी हुई, माननीय मंत्री जी यहाँ है, अभी नव नियुक्त मंत्री जी हैं, बड़ा अनुभव है हरियाणा का, और अच्छा विभाग भी मिला है, चुनौतियां भी बहुत हैं, फोटो वोटो तो अपनी जगह। सर मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूंगा। अब ये स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोल नहीं रही है सर, इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, अच्छा सा नाम रखो, उस नाम के पीछे काम ना हो तो धीरे धीरे बोलना कम कर दो उसके बारे में। अब अभी हाल में राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप बना। साहब गणतंत्र का मंडपीकरण नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं लगता है। महरहाल उपसभापति महोदय, विजय साई रेड्डी जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ। मैं कहता हूं ना समझ लोग हैं सर, ये तो विशुद्ध भारतीयता का एहसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर टपक रहा हो। चेक कर लीजिएगा, ना समझ सब। अच्छा मैं वापस लेता हूं ना, एकदम भूपेंद्र भाई, इसलिए आपको यहां रहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने शायद इसकी मर्म को नहीं समझा कि छत टपक रही है, बाल्टी लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है। मैं इसलिए उसके लिए शिकायत ही नहीं करूंगा, बस शिकायत नहीं करूंगा सर। मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं, वैसे स्वच्छता की ओर गांधी जी का चश्मा, जरूरत थी चश्मा पहनने की, चश्मा वहां रख देने की नहीं। गांधी का चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि दो परस्पर विरोधाभासी चीजें, गांधी और दूसरा मैं नाम नहीं लूंगा, एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है सर। तीसरी मैं मंत्री जी को कहूंगा, स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए, ना इंसाफी हो रही है उनके साथ। आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और से, किसी और तरीके से एक्ट करता है, और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वनिधि, आपका एलोकेशन भी 30% कम हो गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको देखिए, आईईसी स्वच्छता में, आईईसी में एलोकेशन कम हो गया है, अमृत में आधा काम भी नहीं हुआ है, प्रोपेगेंडा अपनी जगह। और मैं एक चीज कहूंगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से सर, शहरीकरण की जरूरतों को गांव को समझे बगैर नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रामीण पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर आपकी नजर नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक शहरों में लोग आएंगे, आप एकोमोडेट करने में फेल करेंगे, आपके बदले कल को हम हो तब भी वो दिक्कतें होंगी। मैं एक चीज और भी उसमें कहूंगा, संपत्ति का असंतुलन भी शहरों में बहुत दिखता है सर। सर एक चीज और कहूंगा, हमारे शहर जब बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए, मजदूर लगातार चाहिए, और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है, उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है। वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते हैं, और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं।
स्लम हमारी नीतियां पैदा करती है। स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग हैं, उनके बारे में दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। और ये सैटेलाइट मेट्रोपोलिस नहीं कि एक स्लम रिहैबिलिटेशन किया, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया, कैसे काम करेंगे, कैसे रोजगार चलेगा। तो ये चीजें सीवर ड्रेनेज के बारे में कई साथी बोल चुके हैं, मुझे तो अक्सर याद आता है विद्यार्थी जीवन में हरप्पा मोहनजोदड़ो की ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ सुनता था, सर अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए, वो ज्यादा बेहतर था। मैं और एक आखिरी चीज करूंगा सर, आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट मल्टी कम्युनिटी हाउसिंग सोसाइटी बननी शुरू हुई थी सर, आज वो सारी चीज, आखिरी 30 सेकंड सर, आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। जातियों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, समुदायों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते, ये हमारी राजनीति और नीति ने तय कर दिया। शुक्रिया सर, जय हिंद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।